रायसेन जिले के भीलभाड़ा से करीला धाम मेला जा रहे श्रद्धालुओं से भरी ट्रैक्टर ट्राली को बस ने मारी टक्कर। सांची थाना क्षेत्र के काचीखाना खेड़े के नजदीक हुए हादसे के बाद घायलों को मेडिकल कॉलेज में कराया भर्ती। रायसेन जिले के भीलभाड़ा से ट्रैक्टर ट्राली में सवार होकर विदिशा अशोकनगर सीमा पर बसे करीला धाम जाते समय रविवार की सुबह 4 बजे के लगभग सांची थाना क्षेत्र के कांचीकाना खेड़ा के नजदीक तेज रफ्तार बस ने ट्रैक्टर ट्राली को टक्कर मार दी। ट्रैक्टर ट्राली में लगभग 35 से 40 लोग सवार थे। इस टक्कर के बाद एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई, जिसके शव को जिला अस्पताल में पीएम के लिए रखवाया है, जबकि अन्य घायलों का मेडिकल कॉलेज में इलाज चल रहा है। रास्ते में आते वक्त एक व्यक्ति की और मौत हो गई है। वहीं सिर पर गंभीर चोट के कारण एक व्यक्ति को भोपाल रेफर कर दिया गया है। एक व्यक्ति कोमा में बताया जा रहा है, जिसका मेडिकल कॉलेज में इलाज चल रहा है। इसके अलावा करीब अन्य लोग, जिसमें महिला पुरुष व बच्चे शामिल हैं, सभी का मेडिकल कॉलेज में इलाज चल रहा है। जी अम्मा, क्या नाम आपका, कहाँ से आई? दहलवाड़े से। कहाँ जा रहे थे? करेला। कैसे एक्सीडेंट हुआ? एक 60 थाड़ी थी तिरावली, बस बार इन पीछे से मार गए। सुबह सुबह कैजुअल्टी का मामला रहा, कितने लोग घायल हैं, कहाँ एक्सीडेंट हुआ था और क्या स्थिति अभी बनी? 21 लोग जो है वो हमारे पास में मेडिकल कॉलेज में सुबह 4 बजे से आना रायसेन से स्टार्ट हुए थे, और उसमें से एक जो है हमारे पास में मृत अवस्था में आया। 3 मरीज करीब गंभीर हालत में है और बाकी लोगों का इलाज चल रहा है। किसी को हाथ में फ्रैक्चर है, किसी को पैर में फ्रैक्चर है, ऐसे करके 21 लोग हैं। कुछ आइडिया मिल पाया कहाँ एक्सीडेंट हुआ था? एक सांची के पास कोई गांव है लोकेशन, उस पर ट्रॉली को बस ने टक्कर मार दी थी, उसमें एक्सीडेंट हुआ।